नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। चिल्का झील पूरी उड़ीसा, चिल्का झील में लाल केकड़ा। उड़ीसा में घूमने के दौरान मुझे चिल्का झील नाम की जगह के बारे में पता चला। ये एक बड़ी झील है जो अपने नीले हरे पानी, पक्षियों की प्रजातियों, लाल केकड़ों, डॉल्फिन और बोटिंग के लिए जानी जाती है। यह झील कई द्वीपों से घिरी हुई है। जो लोग तनाव में हैं या जो तनाव से बाहर जाना चाहते हैं, मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि ऐसी स्थिति में उभरने के लिए चिल्का झील सबसे अच्छी जगह है। नीले रंग की यह झील पक्षियों को अच्छे भोजन के लिए आमंत्रित करती है। वर्ल्ड फोटोग्राफी में रुचि रखने वाले भी व्यक्ति यहाँ पर अच्छी तस्वीर खींच सकते हैं। डॉल्फिन के साथ साथ लाल केकड़े के यहाँ आकर्षण है। यह झील सिर्फ पक्षियों का या केकड़ों की वजह से नहीं बल्कि बोटिंग की वजह से भी खास है। यह एक प्यारा अनुभव था। झील के बीच में धीरे धीरे चलती नाव, सिर्फ मोटर की आवाज, नीला आसमान, नीला पानी, पक्षी, झील के अंदर बांस, ये सब स्वर्ग जैसा था। मछुआरों के लिए ये झील आय का स्रोत है। वे नियमित रूप से पर्यटकों को इस झील की खूबसूरती के बारे में बताते हैं और प्रति नाव कम से कम 2000 रुपए लेते हैं। हम लगभग झील के बीच पहुंच चुके थे और हम अपने पहले पड़ाव के लिए तैयार थे। ये एक छोटे से द्वीप पर था। वहां पहले से ही दो आदमी हमारा इंतजार कर रहे थे ताकि हम कुछ देख सके। सबसे पहले उन्होंने हमें जाल से ढका एक छोटा टब दिखाया जिसमें सफेद आंखों वाले कुछ खूबसूरत लाल केकड़े थे। केकड़े बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे हम कार्टून में देखते हैं। फिर वे हमारे पास कुछ और पत्थर और सीप लेकर आए और हमें बताया कि उनमें से कुछ मोती भी हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।